पर्यावरण प्रदूषण पर सर्वत्र चर्चा हो रही है, किंतु पर्यावरण प्रदूषण में अहम भूमिका निभाने वाले ध्वनि प्रदूषण की अनदेखी बड़ी लापरवाही से की जाती है। इन दिनों ध्वनि प्रदूषण कई अर्थों में मानव जीवन की एक विकराल समस्या बनता जा रहा है। अत्यधिक शोर शराबा न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि अन्य जीव जंतुओं, कृषि जगत और वनस्पतियों के लिए भी खतरनाक है। इसने शहरी जीवन को तो प्रभावित किया ही है, ग्राम्य जीवन में भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। ध्वनि प्रदूषण को पर्यावरण प्रदूषण के रूप में पर्यावरण को बड़े स्तर पर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हानि पहुंचाने वाले तत्वों के रूप में माना जाता है। इसे ध्वनि अव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। अत्यधिक शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और मानव या पशु जीवन के लिए भी असंतुलन का कारण है। ध्वनि प्रदूषण से एक व्यक्ति विशेष, एक वर्ग नहीं बल्कि पूरा भारत वर्ष परेशान है। आप ये जानकर चकित हो जाएंगे कि हाइपरटेंशन, अनिद्रा, असमय बुढ़ापे का आना और न जाने ऐसी कितनी सारी परेशानियां जो सब ध्वनि प्रदूषण की देन हैं। आपको तो शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके घर में बज रहा शादी का संगीत बगल के घर में पढ़ रहे बच्चे की पढ़ाई या इंटरव्यू की तैयारी में कितनी बाधा ला सकता है। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इनसे बढ़ती हुई परेशानियां सबसे पहले दूसरे को तो परेशान करती ही हैं, पर आप भी इससे अछूते नहीं हैं। दर्शकों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको लेके चलते हैं MPS साइंस कॉलेज, जो ध्वनि प्रदूषण जागरूकता सप्ताह मना रहा है। उस पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसका शुभारम्भ हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर अमरेंद्र नारायण यादव ने किया है। आइए चलते हैं, जानते हैं उनके विचार और प्रोफेसर्स के विचार। माननीय कुलपति महोदय का श्रद्धा है कि राम राम वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि, ओम शान्ति शान्ति शान्ति। डीजे के हंगामों से बहरापन बढ़ता जाता है, रागों और गीतों की स्वर माधुरियां लुटती जाती हैं, रागों और गीतों की स्वर माधुरियां लुटती जाती हैं। अब तो खास ये शेर मत अपनाइए कि महरो मोहब्बत नाजुता सब शोरों की भेंट चढ़े, महरो मोहब्बत नाजुता सब शोरों की भेंट चढ़े, नजरों के वो तीर वो मीठी छुरियां लुटती जाती है। दोनों को इसने प्रभावित किया है। आप कभी गौर करें
तो आज लोगों की समझने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अब आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे चिड़चिड़ापन, खींच तनाव, असमय चेहरे पर झुर्रियों का आ जाना तथा उम्र से अधिक का दिखना, ये सब ध्वनि प्रदूषण के ही अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में 55 तथा शांत क्षेत्रों में 50 डेसिबल ध्वनि को ही सुरक्षित माना गया है। हमारे BRA बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति माननीय श्री अमरेंद्र नारायण यादव हमारे साथ बैठे हैं, जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में उनके क्या विचार हैं। ध्वनि प्रदूषण ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है। मोटा मोटी लेमैन भाषा में कह लीजिएगा कि जो लाउडनेस आवाज़ होता है उसके चलते नॉइज़ होता है, वही पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन को, ध्वनि के पॉल्यूशन को नापने का यूनिट होता है जिसको डिसिबल कहते हैं, DB शॉर्ट में कहते हैं। वो ग्रेजुअली जैसे जैसे विकास, जिसको सो कॉल्ड कहते हैं भौतिक विकास, ज़्यादा कीजिएगा इंडस्ट्री ज़्यादा होगा, कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा, तो एटमॉस्फेयर में आपको ज़्यादा ध्वनि आएगा और उसका असर पड़ेगा। हमारा जो कान है वो 3 भाग है, जो दिखलाई पड़ता है बाहरी कान, उसके बाद में है बीच वाला कान, उसके बाद में है अंदर वाला कान। हमारा कान 0 से लेकर के 140 डीबी तक सुन सकता है, लेकिन कान में भी कितना कान को हानि नहीं करेगा वह 50 और 60 डीबी है। आजकल बड़ा प्रॉब्लम होने आ रहा है कि हमारे युवाओं में जो मोबाइल, ये जो लगाते हैं कान का एयरफोन हेडफोन, वो हमारे बच्चे या हमारे युवा उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम खतरा बहुत ज़्यादा मोल ले रहे हैं उसका, क्योंकि कान में घुसा करके भीतर ले करके एक पर्दा है, वो पर्दा पर वो असर करता है और करीब करीब वह 70 के आसपास हो जाता है। सुन तो सकते हैं लेकिन 40 के बाद में आपका 10% सुनाई कम रहेगा, 50 जाइएगा 20% रहेगा, 60 तक जाते जाते आप खलास हो जाइएगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इन खतरों से हमें सावधान होने की ज़रूरत है। जीव जंतुओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, तो जीव को वो भी हंसता, आपको पत्तियाँ भी हंसती है, पत्तियाँ भी खुश होती है तो लहराहता है, तो जिसमें भी जीवाणु है, लिविंग है, वो सब सारे क्रियाएं करती है जैसे हम करते हैं। ये बात नहीं है कि आपको लगता है जो मन गए काट दिया, उसको भी दर्द होता है, तो उसको भी इफ़ेक्ट करता है। जो इफ़ेक्ट हमको पड़ता है वही इफ़ेक्ट उसको, एक्सपेरिमेंटल साइंस से यह सत्यापित हो गया कि जहाँ एटमोसफियर अच्छा रहेगा, ध्वनि का पॉल्यूशन नहीं रहेगा, उसका ग्रोथ होगा। मैं आज से करीब करीब 20 बरस पहले केरल गया, केरल कोचीन, वो भी तो आप ही का जैसे कि बिहार है उस तरह केरल है। मैंने कहा कि भाई इसका साउंड वाउंड नहीं होता है, इसमें कहीं कोई साउंड ही नहीं बजता था, जैसे कि यहाँ पर चलिएगा बस में चलिएगा तो एकदम जो हॉर्न का इतना आवाज़ करता है। तो हमने पूछा एक आदमी से कि यहाँ पर हॉर्न नहीं है, कहा कि हॉर्न की ज़रूरत क्या है, तो एडुकेशन है वहाँ ज़्यादा, 99% उसको समझता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि किसी गांव में लगातार DJ और लाउड स्पीकर का शोर शराबा होता रहे तो वहाँ की फसलें असमय सूखने लगती हैं तथा वहाँ की मिट्टी में उर्वरक भी सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाते। बाहरी शोर, मशीनों, परिवहन व्यवस्था, खराब शहरी योजना, औद्योगिक और रिहायशी इमारतों के निर्माण आदि के द्वारा होता है। घरेलू शोर के स्रोत घरेलू मशीनें, निर्माण गतिविधियां, तेज आवाज में संगीत आदि हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा हानि कान के पर्दे खराब हो जाने के कारण हमेशा के लिए सुनने की क्षमता का चले जाना है। महेश प्रसाद सिन्हा साइंस कॉलेज ध्वनि प्रदूषण जागरूकता सप्ताह बना रहा है। आज हम जानते हैं उनके प्राचार्य श्री शफीक आलम जी से कि उनके विचार क्या है इसके बारे में। प्रदूषण आजकल
बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, हर तरफ हम लोग पॉल्यूटेड हो रहे हैं। जल प्रदूषण की बात होती है या वायु प्रदूषण की बात होती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के बारे में लोगों का ध्यान नहीं है। इसलिए हमारा महाविद्यालय ध्वनि प्रदूषण जागरूकता सप्ताह मना रहा है, ताकि हम लोगों को सतर्क कर दे, या उसके लिए हम लोग तैयार रहें कि उनसे बहुत ज़्यादा हम लोगों का नुकसान नहीं हो, वो जो नुकसान हो रहा है वो उसमें कमी आए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अमर नारद शर्मा के पास, जो बॉटनी के प्रोफेसर हैं। तो सर, हमको बताइए कि आप यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या? ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है, ये फिजिकल टाइप ऑफ पोल्यूशन है जो कि सबसे डेंजरस पोल्यूशन है और ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली ये इफेक्ट करता है। ये जो है सो इसका इफेक्ट ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसका ये देन है। हम सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये हमारे ऑडिटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ये लॉस ऑफ हियरिंग इसका सबसे जो है वो डेंजरस कॉन्सिक्वेंस है। ध्वनि जो है यह एक प्रेशर वेव के रूप में जो है सो चलता है और हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर देता है। और ऐसा माना गया है कि 90 डेसिबल या उससे ज़्यादा का ध्वनि जब हमेशा हमारे पास आसपास में इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो हमारे ध्वनि को, वह हमारे हियरिंग कैपेसिटी को परमानेंटली वो समाप्त कर देता है। इतना ही नहीं, ह्यूमन बीइंग के दूसरे सिस्टम में भी नॉइज पॉल्यूशन का काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। हम एनोयंस है, देन स्लीपलेसनेस है, देन हाइपरटेंशन है। और ये नॉइज जो है ये हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, एड्रिनेलिन। ये एड्रिनेलिन का सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ये सारे के सारे मिल करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन को बढ़ाता है और कार्डियक हार्ट फेलियर ये जो है इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। हम लोगों को अपने माइंड सेट को बदलने की आवश्यकता है। नॉट ओनली ऑन ह्यूमन बीइंग, दिस इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ऑफ नॉइज इज अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ प्लांट ऑल्सो। प्लांट में भी ऐसा देखा गया है कि उसका ग्रोथ रेट कम हो रहा है। जैसे टोबैको प्लांट में ऐसा देखा गया कि ग्रोथ रेट उसका जो है वो 40% कम जाता है। तो प्लांट्स ये भी जो हैं ये कैपेबल हैं कि ये पहचाने कि कौन सा नॉइजी पोजीशन है, कंडीशन है, कहाँ पे जो है सो नॉइज नहीं है। एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन जो है उसको अभी तक लोग नहीं वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इन सारे कंक्लूजन से हम लोग इन जो परिस्थिति है, जो कॉजेज हैं इसके और जो हार्मफुल और कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस परिस्थिति में हम लोगों ने सोचा कि अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेक्चर्स या मीडिया, इनका जो है सो काफ़ी रोल है कि वो नॉइज पोल्यूशन के बारे में बतावे कि व्हाट वुड बी द डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नॉइज इन आवर इन्वायरमेंट। और मैं इस अभियान की सफलता की मंगल कामना करता हूँ। ध्वनि वह तत्व है जिसका आभास हमारी कर्णेंद्रियों से होता है। किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की अवांछनीय तीव्रता को ही शोर कहते हैं। इस अदृश्य प्रदूषण से कई गंभीर समस्याओं ने जन्म लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में असहनीय ध्वनि को प्रदूषण का अंग ही माना था। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं यातायात के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। अब चलते हैं इतिहास के विभागाध्यक्ष श्री अजीत कुमार जी के पास। वो अब हमें आगे बताएंगे कि आखिर इससे क्या फायदे होंगे। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 बन के तैयार है। भारतवर्ष में इसको लागू हुए लगभग 17 वर्ष हो चुके हैं। बावजूद इसके ध्वनि प्रदूषण पर कहीं कोई सार्थक नियंत्रण दिखाई नहीं पड़ता है। अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव हो रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान दिया जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है जिसमें कि हम पंडाल में बजने वाले लाउड स्पीकर्स को या ढोल नगाड़ों के फ्रिक्वेंसी को कम कर सकें। जबकि 2000 के अधिनियम में स्पष्ट ये उल्लेख है कि न्यायालय, हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 100 मीटर के अंदर
कोई भी ऐसा ध्वनि विस्तारक यंत्र काम में नहीं लाया जाएगा जिसके ध्वनि की क्षमता 20 या 24 से ज़्यादा हो। हमारी ये कोशिश है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ साथ इस ध्वनि प्रदूषण को भी सामाजिक सरोकार का, सामाजिक संवाद का और लोगों के जागरूकता का नया विषय बनाया जाए और यह कोशिश की जाए कि सड़क पर चलते हुए या अपने घरों में सामूहिक समारोहों में हम ध्वनि का उतना ही प्रयोग करें जो दूसरे के लिए कर्णप्रिय हो। कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ जब एक खास सीमा से ऊपर बढ़ जाती है तो उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण भी वही है। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका दूसरे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष श्री ज्योति नारायण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं ध्वनि प्रदूषण पर उनके क्या विचार हैं। दरअसल अभी जो कई समस्याएं आई हैं इधर फिलहाल कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की समस्या और पोल्यूशन की समस्या, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, बहुत तरह की समस्याएं आती जा रही हैं। इन्हीं समस्याओं में की कड़ी में यह ध्वनि प्रदूषण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं समझता हूँ कि इस समस्या के तरफ कई वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। BBC से प्रकाशित नेचर पत्रिका में भी इस समस्या के बारे में बहुत ही जिक्र किया गया है, बहुत व्यापक पैमाने पर जिक्र किया गया है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का असर जो है केवल लिविंग थिंग्स पे ही नहीं नॉन लिविंग के ऊपर भी पड़ता है और इसका सीधा प्रभाव हम देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के ऊपर, मानव हृदय के ऊपर तो पड़ता ही है। अभी हमारे साथी ने इसकी चर्चा भी की है कैसे मानव के ग्रंथियों के ऊपर में कैसे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इन सबों को बढ़ाने में ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत हद तक इसे प्रभावित हो रहा है। इससे जर्मिनेशन की समस्या जो है वो कई गुना खतरे में है। जितने भी पॉलिनेशन का जो है, सीडलिंग्स का है, ये सब अफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दशकों से मतलब तितलियाँ वगैरह और कई इस तरह के जीव जो हैं हमारे बीच लगभग लुप्त प्राय हो गए हैं, वो दिखते भी नहीं हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं यह ध्वनि प्रदूषण भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। कई महानगरों में ध्वनि का स्तर 80 से भी ज़्यादा है। उनमें दिल्ली 80 dB, कोलकाता 87 dB, मुंबई 85 dB और चेन्नई 89 dB है। अब मैं आपको उर्दू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बरकात जी से रूबरू कराती हूँ। शोर की आलूदगी की वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे समाज में पैदा हो रहे हैं। इस शोर पर कंट्रोल करना नहायत ही ज़रूरी है। इस पर मेरा ख्याल जहाँ तक है, उस इस शोर पर कंट्रोल करने के लिए एक ध्वनि के लिमिटेशन मुकर्रर कर दिया जाए, उस पर मुकम्मल पाबंदी करना हमको ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। हम समाज में रहते हैं और समाज में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते रहते हैं जिसमें आपको माइक को या DJ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सूरत हाल में एक ख़ास वक्त तक ही अगर किसी तरह के शोर शराबे वाले या बैंड वगैरह या किसी तरह के और प्रोग्राम को कराने के साथ साथ उसके आवाज़ का लिमिटेशन भी हो जाना चाहिए और इसको को बड़े पैमाने पर प्रसार और प्रचार करना चाहिए कि लोग ध्वनि प्रदूषण से बचें। एक लिमिटेशन बता देना चाहिए कि इस लिमिटेशन से ऊंची ध्वनि नहीं होनी चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए MP सिन्हा साइंस कॉलेज के हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शेखर शंकर मिश्रा जी ने साप्ताहिक ध्वनि प्रदूषण का प्रोग्राम शुरू कराया है, ये वो धन्यवाद के पात्र हैं। इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर श्री राजकुमार सिंह से जानते हैं उनके विचार क्या है इस ध्वनि प्रदूषण पर। प्रदूषण जितने तरह के भी पॉल्यूशन हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, उसमें सबसे अहम पॉल्यूशन जो है वह आज के दिनों में साउंड पॉल्यूशन है, जिसमें व्यक्ति के सामने चलते चलाते अगर किसी तरह का कुछ व्हीकल से जा रहे हैं, बहुत तेज़ से आवाज़ आती है तो व्यक्ति नर्वस कर जाता है, नतीजा किसी किसी को अपना वो ट्रक मिसअप हो जाए, बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। अननेसेसरी अगर बजाते हैं जिसको हार्ट पेशेंट है या फिर किसी तरह का और भी डिजीज है वो बढ़ जाता है। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण का नवजात शिशु पर त्वरित प्रभाव देखने को मिलता है।
क्योंकि उनका श्रवण तंत्र अत्यंत कोमल होता है, जो तेज ध्वनि को सहन कर सकने की क्षमता नहीं रखता। कई बार उनके सुनने और बोलने की क्षमता के देर से विकसित होने के पीछे भी यही कारण होता है। आजकल के सामाजिक स्थिति के ये हाल है कि बहुत सारे जगह बहुत सारे अलग अलग स्रोतों से ध्वनि प्रदूषण हो रही है, जिसकी वजह से हमारे क्लिनिक पे आजकल ध्वनि सुनने में कमी के समस्या से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनने में भी कमी आती है। अगर एक तरह का कम ऐसे वातावरण में काम करने वाले व्यक्ति जो कारखाना में या किसी बहुत ज़्यादा शोर वाले जगह पे काम करते हैं, उनमें सुनने की कमी काफ़ी बढ़ रही है। और गाड़ी के हॉर्न, डीजे के साउंड और कारखानों के ध्वनि के वजह से भी सुनने में समस्या हो रही है। पहले सामान्यतः 2-3% तक मरीजों में इस समस्या से ग्रसित होके आते थे। आजकल के देखा गया है कि 8-10% तक मरीजों में ये समस्या हो रही है, जिसे सुनने की कमी लगभग 50% तक सुनने में कमी हो जाती है, और वो भी कम उम्र में। ध्वनि प्रदूषण के परिणाम बहुत अधिक घातक हैं और निकट भविष्य में चिंता का विषय बन रहे हैं। उद्योग और कारखाने आवासीय इमारत से दूर होने चाहिए। मोटरसाइकिल और कार के खराब हुए पार्ट्स और पाइप की मरम्मत, शोर करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हवाई अड्डों, बस, रेलवे स्टेशनों और अन्य परिवहन टर्मिनलों को आवासीय स्थलों से दूर होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्पिटल्स के आसपास के इलाकों को ध्वनि निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाए। सड़कों पर शोर के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए रिहायशी इलाकों में आसपास हरियाली लगाने की अनुमति होनी चाहिए। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम हाईवे के बीचों बीच खड़े हैं। यहाँ शोर इतना अधिक है कि बातचीत करना भी संभव नहीं है। ये 100 से 120 डेसिबल को क्रॉस कर रहा है, और ये जो कि कान के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। ये ध्वनि जो उत्सर्जित हो रही है, ये हृदय गति वालों के लिए तो कम से कम बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी हृदय की धड़कनें तेज हो सकती हैं इससे, जितना अधिक यहाँ शोर है। आज पूरी दुनिया वितरण और उपभोग की प्रणाली को अपना रही है। हम सब कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण में सहायक होते जा रहे हैं। चाहे हम कितने ही खुश मिजाज होके निकले अपने घर से, लेकिन जैसे ही हम तनावपूर्ण रोड की स्थिति देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण देखते हैं, हमारे मुंह से अनायास ही उफ शब्द निकलता है और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या हम निजी तौर पर कुछ कर सकते हैं, पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि हर कड़ी एक जंजीर बनाती है। हम सबका एक योगदान इस कड़ी को सफल बनाने में सहायक होगा, और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत, अपनी जवाबदेही और अपनी जागरूकता को दूसरों तक अवश्य फैलाएं। आज के इस कार्यशाला और इस कार्यक्रम से मैं आज अपने युवाओं को एक अनुग्रह करना चाहूँगी कि जागरूक बनिए, जागरूक बनाइए, जवाबदेह बनिए, जवाबदेही बढ़ाइए। तो इसी के साथ हम आपसे ये आशा और उम्मीद करते हैं कि आप यथासंभव कोशिश करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण कम करें। खास करके युवाओं को आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद।